27वें अध्याय में क्रिया योग का वर्णन है। इसका नाम क्रिया योग है। 28वें अध्याय में परमार्थ निरूपण है। तो क्रिया योग का अभिप्राय क्या है कि जैसे हम तो हैं देहधारी मनुष्य, तो देह तो द्रव्यात्मक है ना, इसमें मिट्टी पानी आग हवा चीज है और उससे कुछ क्रिया होते हैं। संसार में हमें किसी को खुश करना होता है, किसी की सेवा करनी होती है, तो कुछ उसका काम करते हैं और कुछ उसको देते हैं। मानो या तो शरीर से कुछ सेवा करें और या तो कोई धन दौलत खाना पीना कपड़ा लत्ता फूल फल कुछ उसको ले जाकर के दें। बिना वस्तु दिए और बिना काम किए संसार में किसी की सेवा नहीं होती है। काम करने में दानी का काम और जोड़ लो, नीची नीची बोल के बात, उससे भी काम निकलता है, तो भगवान की भी स्तुति करते हैं। कि जिसको देहाभिमान है कि मैं देह हूं, और जो स्वयं वस्तु मिलने से खुश होता है और कोई पांव दबावे फूल चढ़ावे फल देवे धन देवे सब सुखी होता है खुश होता है, ऐसा जो मनुष्य है वो अगर भगवान को कुछ देगा नहीं और भगवान के लिए कुछ करेगा नहीं और भगवान के लिए कुछ बोलेगा नहीं, तो उसके मन में ये संतोष ही नहीं होगा कि हमने भगवान के लिए कुछ किया। ये एक मनोवैज्ञानिक विशेष बात है कि जो दूसरों को देकर उससे अपना काम बनाता है, दूसरों से लेकर खुश होता है, दूसरों से काम करा के खुश होता है और दूसरों का काम करके उसको खुश करता है। जो मनुष्य बना बैठा है वो यदि ईश्वर के लिए कुछ देगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं और आंख बंद करके बैठ जाएगा कि हम भगवान की बड़ी भारी पूजा कर रहे हैं, तो उसके मन में संतोष का उदय होना असंभव है। इसलिए मनुष्य को क्रिया योग करना चाहिए। क्रिया योग में फल फूल आदि से भगवान की पूजा भी होती है और बोलना स्तुति जप आदि भी होता है और उसके लिए हाथ पांव चलाना भी होता है, ये तीनों काम होता है। और कर्म के द्वारा ही मन में परिवर्तन होता है। जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है तब खुश होता है, किसी को चार पैसा देता है तो उसके मन में संतोष होता है कि हमने दिया, तो भगवान की पूजा करके भी मन को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसलिए पहली बात यह है कि
कि क्रिया योग जो है ये सद्यस्य तत्प्रसादकः तत्काल हमारे चित्त को निर्मल बनाने वाला है। अब दूसरी बात यह है कि इससे धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म की उत्पत्ति होगी तो भगवान से जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि जब तक मन में राग द्वेष भरा हुआ है तब तक असंग हो करके हम निष्संकल्प बैठे हुए हैं, ये कल्पना भ्रांति है। जब तक राग है तब तक अपने मित्र की याद आएगी, जब तक द्वेष है तब तक अपने शत्रु की याद आएगी, और उसको हटाने के लिए हमारे मन में कोई न कोई वस्तु स्थायी रूप से भरी जानी चाहिए। इसलिए बिना भगवत पूजा के राग द्वेष आदि की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए श्री कृष्ण की पूजा करना, भगवान की पूजा करना आवश्यक है। अब इसीलिए उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से इति कृष्णार्चनम भद्रम अनुस्मृत्यानुपृच्छते, श्री कृष्ण की पूजा परम कल्याणमयी है ये ध्यान में रख करके उद्धव जी इस अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न करते हैं। तो मूर्ति पूजा के संबंध में अगर आपको बहुत सारी बातें बतावे एक लंबा व्याख्यान हो जाएगा। ये सनातन धर्म की जड़ है मूर्ति पूजा में। उपादान रूप से ईश्वर को स्वीकार करना ये जो वैदिक धर्म की विशेषता है, मसाले के रूप में केवल घड़ा बनाने वाले कुम्हार के रूप में ही नहीं, घड़े में रहने वाली मिट्टी के रूप में जो ईश्वर को स्वीकार किया गया है हिंदू धर्म में, ये संपूर्ण जो विश्व प्रपंच है ये इसके रूप में स्वयं परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। कि जहां भगवत भाव करोगे कि ये भगवान की पूजा है, वही भगवान की पूजा हो जाएगी। इसलिए मूर्ति पत्थर की हो कि पानी की हो कि आग की हो कि हवा की हो कि आकाश की हो कि मन की हो कि बुद्धि की हो कि अपनी हो कि पराई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि तुम्हारा भगवत भाव बन गया तो भगवान की पूजा हो गई और भगवान की पूजा से अपना हृदय शुद्ध हो गया है ना। देह की पूजा करने में, भाई बंधु की पूजा करने में, स्त्री पुत्र की पूजा करने में तो तुम्हें संकोच नहीं होता, और भगवान की पूजा करनी हो भगवत भाव से तो उसमें संकोच होता है। ये तो शर्म की बात है। तो इस तरह से लोगों को गाली देने में संकोच नहीं होता है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने घर में भी बाहर भी नौकर को भी पूरी बच्चे को भी गाली तो देते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। बोलते अरे हम वेदांती हैं, भगवान का नाम नहीं लेते। तो गाली देने में तो शर्म नहीं आती है, भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। संसार का काम भोग भी करेंगे, विलास भी करेंगे, खाएंगे भी सोएंगे भी पापड़ भी देंगे, लेकिन भगवान की पूजा करनी हो तो बोलेंगे कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, पापड़ तो बेल लेंगे और भगवान की पूजा नहीं करेंगे। तो महाराज इस बुद्धि पर तो है ना फर्क ही आते हैं। तो आओ उद्धव जी जो प्रश्न करते हैं इस पर विचार करें। उद्धवोवाचो क्रियायोगं समाचत्व भगवाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभ सात्वता एव ऋषभाः प्रियाः यस्य सात्वतर्षभा। हे कृष्ण भक्त तुमसे प्रेम करते हैं और तुम अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। भक्त भगवान का भजन करते हैं ना, भगवान किसका भजन करते हैं? अपने भक्तों का भजन करते हैं। तभी तो बराबरी होती है। ये जथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हे भक्तों के प्यारे और हे भक्तों के प्रेमी, अब आप मुझे क्रिया योग का उपदेश कीजिए कि
क्रिया आपके साथ कैसे जोड़ी जाती, हम कुछ करें कुछ दें कुछ लें कुछ बोलें, तो उससे आपके साथ मिलना कैसे होता है, तो वो क्या चीज है कि भवदाराधनम, वो आपकी आराधना है। बोले भला आप पूजा करेंगे मूर्ति की और आराधना होगी भगवान की, ये कैसे? बोले प्रभो, प्रभो माने प्रभवती किसी प्रभु, है ना, जो सब बन गया है उसका नाम प्रभु है, जो सब बना हुआ है। तो उंगली पकड़ के जब बच्चा चलता है ना, बाप की उंगली पकड़ के, तो क्या बोलते हैं, बाप को पकड़ के चल रहा है। तो बाप को कहाँ पकड़े हुए है, बाप तो एकदम 3.5 का है और उसने तो उंगली पकड़ी है, बोले उंगली पकड़ी है तो क्या बाप को ही पकड़े हुए है। तो ईश्वर सर्व रूप में है, उसके एक देश की भी कोई पूजा करे तो ईश्वर की ही पूजा करता है, वो पूज्य जो मूर्ति है वो ईश्वर के स्वरूप से कोई बाहर नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर कहीं दूर भी हो तो बड़ा समर्थ है, उसके हाथ बड़े लंबे हैं, तुम यहाँ से उसके नाम से फूल दो पत्ता दो फल दो अरे वो ले लेगा, पत्राम पुष्पाम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति करतम स्नान प्रयथात्मनः, खाने को तैयार। तो जस्मात् त्वाम ये जथा अर्चन्ति, जिस मूर्ति के द्वारा, जिस मूर्ति में, जिस रूप में, जिस संबंध से, जिस अधिकरण में, जैसे जैसे पूजा करते हैं, क्या क्या सामग्री रखते हैं, किसके द्वारा, किस सामग्री से, किस ढंग से भक्त लोग आपकी यथावत पूजा करते हैं, वो आप कृपा करके बताइए। अब उद्धव जी अपने प्रश्न को थोड़ा और बढ़ा करके बोलते हैं। एतत् वदन्ति मुनयो मुहुर्निश्रेयतन्मृणाम्, बड़े बड़े ऋषि मुनि ये बात बारंबार कहते हैं। एक तो कहने वाले ऋषि मुनि बड़े बड़े महात्मा, और दूसरे एक बार नहीं बारंबार कहते हैं। क्या 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 कहते हैं कि निश्रेयतन्मृणाम, मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहता है तो यही करे, ऐसा महात्मा लोग बताते हैं। नारदो भगवान व्यास आचार्य गिरसुत, भगवान नारद भगवान व्यास नाम लेते हैं, और आचार्य अंगिरा के पुत्र, अंगिरा के पुत्र आचार्य बृहस्पति, अंगिरा के पुत्र का नाम बृहस्पति है, वो भी एक अंगिरा भी एक भक्ति दर्शन के आचार्य हैं, नारद भक्ति दर्शन के आचार्य है। मेरे मन में तो कई बार आई कि एक बार नारद भक्ति सूत्र वही सुना दें, ऐसा बढ़िया भक्ति के संबंध में नन्हा सा ग्रंथ, केवल 80 तो सूत्र है उसमें, और भक्ति का सार सार आ जाता है। कांडिल्य भक्ति के आचार्य हैं, नारद भक्ति के आचार्य हैं, और अंगिरा भी भक्ति के आचार्य हैं, उनका आंगिरस दर्शन है। वो तो इस तरह सभी कहते हैं कि मनुष्य अगर अपना कल्याण चाहता हो तो भगवान की आराधना करे। एक निष्कंटक पंथा, दो कांटे का रास्ता है, ऐसा रास्ता है ये जिसमें कांटे कुछ बिल्कुल नहीं है। कौन सा? यत्र संपूज्यते हरिः, जिस रास्ते में भगवान की पूजा होती है। कुपथम तद्विजानीयात् वैकुंठ रहितागमम्, वो कुमार्ग है जिसमें भगवान की पूजा नहीं है, क्योंकि मनुष्य किसी को बड़ा माने बिना नहीं रह सकता, किसी न किसी को तो कैसे देखा ही बड़े हैं। एक देखा एक सज्जन है, वो बड़ा व्याख्यान देते उपदेश करते हैं, तो किसी साधु को अपने से बड़ा नहीं मानते हैं, बोला गृहस्थ है, किसी साधु को अपने से बड़ा नहीं मानते हैं, और है तो शेष ही ना, जब उनसे ज्यादा धनी सेठ उनके पास आता है तो एक ही लगवानी करने जाते हैं, साधु उनके पास आए तो अगवानी करने नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे डर,
क्या क्या आज तक हो, तो आखिर किसी न किसी को संसार में बड़ा मानते हो ना। भगवान को बड़ा नहीं मानोगे तो किसी संसारी को बड़ा मानना पड़ेगा। मिनिस्टर का स्वागत करोगे उसको माला पहना, भगवान की मूर्ति को कहोगे नहीं 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 हम रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं, तो किसको मानोगे, क्या मिनिस्टर को मानोगे, उसको तो माला पहनाओगे, उसको तो हाथ जोड़ोगे, उसका तो स्वागत करोगे। तो जब बिना स्वागत के बिना पूजा के बिना माला पहनाए रह ही नहीं सकते बाबा, है ना, किसी न किसी को कर नहीं है तो ईश्वर को करो, इससे बढ़ करके हृदय को पवित्र करने वाली और बात क्या हो सकती है। संसार में तो सारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं, भगवान के साथ कौन सा स्वार्थ है। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि पूजा करनी हो तो भगवान की करो। निस्तृतं ते मुखाम्भोजाद् यदाह भगवान जहा पुत्रेभ्यो भृगु मुख्येभ्यो देव्यै च भगवान् भवः। फिर कहते हैं कि ये पूजा की पद्धति और किसी ने नहीं तुम्ही ने बताई है। जिसको खुश करना हो, जिसको प्रसन्न करना हो, वही अगर अपने मुंह से बता दो कि ये काम करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो उससे बढ़िया और मार्ग क्या होगा। तो तुम्हारे मुख कमल से ही ये बात निकली हुई है। बोले नहीं नहीं पहले ब्रह्मा ने कहा तो यदाह भगवान जह, पहले तुमने कह दी फिर ब्रह्मा ने अपने बेटों को वो बताई, भृगु आदि अपने पुत्रों को, फिर देव्यै च भगवान् भवः, और शंकर भगवान ने देवी पार्वती को बताया कि मूर्ति में किस तरह से भगवान की पूजा करना है। तो इस तरह से बत्ता जो है फल से सिर्फ एक तो पूजा करना सुगम है, दूसरे अंतकरण शुद्धि रूप फल तत्काल होता है, जिस समय पूजा करोगे उसी समय अंतकरण शुद्ध होगा, और तीसरे संसार के राग द्वेष की निवृत्ति हो करके असंगता आदि सद्गुण आएंगे। चौथे सब बड़े बड़े महापुरुषों ने ये बात बताई है, स्वयं भगवान ने शंकर ने ब्रह्मा ने बताई है, और इसके अधिकारी सब हैं। एतद् वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणाम् च सम्मतम् श्रेयसामुत्तमम् मन्ये श्री शूद्राणाम् च मानद। कहिए वर्ण वाले इस वर्ण वाले कर बृहस्पति सौ करना हो तो 20 बखेड़ा लगे कि ब्राह्मण के सिवाय दूसरा करे नहीं, राजसूय करना होगा तो ये बखेड़ा जुड़े कि सिवाय क्षत्रिय के और कोई करे नहीं है, और ये बोले चाहे किसी वर्ण का हो और चाहे किसी आश्रम का हो, बोले गृहस्थ करे सन्यासी न करे, सन्यासी करे गृहस्थ न करे, ऐसा कुछ नहीं, भगवान की पूजा सबको करना चाहिए। ऐसा प्रसिद्ध है वैष्णव लोगों में कि सन्यासी लोग भगवान की पूजा नहीं करते और भगवान का प्रसाद भी नहीं खाते हैं, वैष्णव लोगों में ये बात प्रसिद्ध है। तो जब कर्तात्री जी पहले आए वृंदावन में वो नोटिस करते, कहिए तो भगवान का प्रसाद नहीं खाते हैं, भगवान का तिरस्कार करते हैं, नोटिस साफ की बात की, तो कर्तात्री जी बहुत हंसे, बोले कि भाई हमको प्रसाद खाने का न्योता तो दो पहले तुम प्रसाद देने के लिए हमको निमंत्रित करो। अब तो वैष्णव ने निमंत्रित किया एक वैष्णव ने, और ले जाकर वहां बैठाया उनको, और वही उनके सामने ठाकुर जी को भोग लगाया, तुलसी डाली, और फिर वही थाली ला करके उनके सामने रख दी, तुमने चुका लिया। बोले भाई हम सब मंदिर जाने को कहते हैं, जिनके यहाँ पवित्रता से बनता है, ब्राह्मण बनाता है, भोग लगाता है ना, वो भगवान का प्रसाद हमें खिलावे। अब ये बात, हम तो स्वयं भगवान को भोग लगा के खाते हैं। एक दिन कर्तात्री जी काशी में बैठे, तो ये कुछ लोगों में प्रसिद्ध किए निराकारी लोग जो है निर्गुण ब्रह्मवादी, ये भगवान की पूजा ही नहीं करते। अब वो तो लेके महाराज शालग्राम को और नर्मदा चक्र को बैठे भगवान की पूजा कर रहे, सही चक्र सामने दंडी स्वामी लोग आए, बोले कि स्वामी जी आप ये क्या निर्गुण ब्रह्मवादी होकर के मूर्ति पूजा करते हैं। तो हंसने लग गए, बोले कि अगर तुम ये आके पूछते कि तुम हवाई जहाज में क्यों चलते हो, है ना,
राजनीतिक आंदोलन में क्यों भाग लेते हो और इतना जगतवाल अपने साथ काय को बांध के रखे हो, तब तो हमको सफाई देने में अपनी खुशी भी होती है और हम कहते कि आप लोग हमको विरक्त महात्मा बनाना चाहते हैं, आपकी बड़ी कृपा है। लेकिन तुम हमारी भगवान की पूजा कर ही आक्षेप करते हो, भगवान को ही छुड़ाना चाहते हो, है ना? ये कौन भला ही कही सीता है ना? रुपया छोड़ने को नहीं कहा, संबंधी छोड़ने को नहीं कहा, सोना चांदी छोड़ने को नहीं कहा, भगवान की पूजा ही छोड़ने को कह दिया, सीताराम सीताराम, है ना? तो जो चीज संसार से मन को हटा करके संसार से परे भगवान की ओर ले जाने वाली है, जो अपने जीवन के लिए एक साधन है, एक संबल है, एक आश्रय है, उसको अपने जीवन में से नहीं निकालना चाहिए। श्रेयसा मुक्तम मन्ये स्त्री शूद्राणाम समानद, चाहे किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, आइए किसी आश्रम में ये बात समझो, चाहे दंडी स्वामी हो, चाहे परमहंस हो, चाहे उदासी हो, किसी भी आश्रम का हो, उसको भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रेयसा मुक्तम मन्ये स्त्री शूद्राणाम समानद, सबसे अधिक कल्याणकारी है ये, जिनके यज्ञोपवीत है उनके लिए भी और जिनके नहीं है उनके लिए भी, स्त्रियों के लिए भी और शूद्रों के लिए भी भगवान की पूजा सर्वोत्तम है। एतत् कमलपत्राक्षो कर्मबन्ध विमोचनम् भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। हे मानद, ये कृष्ण भगवान के लिए उद्धव जी ने संबोधन किया। मानद, देखो आजकल संबोधन किया जाएगा तो माननीय किया जाएगा, मान देने योग्य, और कृष्ण भगवान के लिए ये क्या संबोधन है? मान देने वाले, जो मान दे सो बड़ा, मान का दाता बड़ा है, मान का गृहीता बड़ा नहीं है। किसी को ऊंचा बैठा दिया, ये तो बैठाने वाले की उदारता है, श्रेष्ठ है, उसका किसकी सरदयता है जो दूसरे के ऊपर बैठा के खुश होता है? जो ऊपर बैठता है उसमें तो अभिमान भी हो सकता है। तो मानव कृष्ण भगवान की विशेषता क्या है? वो राजा बनाना हो तो उग्रसेन को बना दो, बहुत बढ़िया। बोले भाई सम्राट बनाना हो तो कौन का? युधिष्ठिर को बना दो। तो तुम क्या काम करोगे? तो हम लोगों का पाँव धोएंगे, हम लोगों का पत्थर उठाएंगे, अपने लिए छोटा काम देना। मान अद, दूसरे को मान देने, ये कृष्ण की महिमा है। कृष्ण की तारीफ ये है जो दूसरे को सम्मान दे। गंत के सिंहासन पर बैठ गए, चाहे कोई आवे कोई जाए, है ना? एक बात है, और एक ऐसा हुआ जो हाथ जोड़ करके उठ के सबसे मिलता है। मान अद, ये कृष्ण की महिमा है। एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबन्ध विमोचनम् भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। हे कमलनयन, कमल दल के समान जिसकी बड़ी सुंदर आंखें हैं, उद्धव जी तो जन्म के साथी हैं ना, कोई कोई ऐसी आंख होते हैं महाराज, देख करके मन दुखा जाता है। वह चितवन और कसू जी बस हो चुका है। हे कमल नयन, जिसने श्री कृष्ण की आंख एक बार देखी उसका मन हमेशा के लिए उसमें फंस गया। ये जो पूजा की विधि बताते हैं, ये कर्म बंध विमोचनम, कर्म कर करके मनुष्य संसार में बंधा हुआ है, अब कर्म कर करके भगवान की पूजा कर करके उस बंधन से मुक्त हो गए, वो विधि है। हे विश्वेश्वरेश्वर, विश्व के ईश्वर है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी ईश्वर तुम मुझे बताओ। अच्छा, अब ये बात हुई कि उद्धव जी को बताए ही क्यों जाए? तो भक्ता यचा अनुरक्ताय, मैं तुम्हारा भक्त हूँ और तुम्हारा अनुरागी हूँ, अनुरक्त हूँ। कोई कोई भक्त तो होता है पर अनुरक्त नहीं होता है, और कोई अनुरक्त होता है पर भक्त नहीं होता है। मैं तो भक्त भी हूँ
और अनुरक्त भी हो। भक्ति जो है वो सेवा मिश्रित प्रेम है और अनुराग जो है वो ज्ञान युक्त प्रेम है। ज्ञान की प्रधानता से जो प्रेम है वो अनुराग है और सेवा की प्रधानता से जो प्रेम है वो भक्ति है। उद्धव जी में भक्ति और अनुरक्ति दोनों है, कृष्ण के ही प्रेमी है और कृष्ण के ही सेवक है। श्री भगवान वाच नहि अन्तो मन्तकारस्यो कर्मकाण्डस्योद्धव संक्षिप्तां वर्णयिष्यामि यथावदनु पूर्वकः। वैदिकतान्त्रिको मिश्रः इति मे त्रिविधो मतः त्रयाणाम् इत्युते नैव विधिना माम् समर्थे। भगवान की पूजा तीन प्रकार से की जाती है। एक तो वैदिक रीति से जिसमें सहस्र तीर्थ पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाः पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की आराधना होती है, और तांत्रिक रीति से जो मंत्र बने हुए हैं धूप दीप तांत्रिक मंत्रों से देना वो जो है तांत्रिक विधि, उसमें कई प्रकार की पूजा की पद्धति होती है और एक मिश्र मान दोनों मिल के पौराणिक पद्धति जैसे होती है। अष्टाक्षर नारायण मंत्र है, ये वैदिक भी है, मां नारायण उपनिषद में इस मंत्र का उल्लेख है इसलिए वैदिक है ना। अब पूजा जब करने लगे तो पूजा की पद्धति वहां नहीं है तो तांत्रिक रीति से पूजा करते हैं, तो दोनों एक में मिल जाते हैं। अब बोले भगवान की पूजा किस ढंग से करना, इच्छिते नैव विधिना जो अपने को पसंद हो उसी रीति से भगवान की पूजा करना। त्रयाणाम इच्छिते नैव विधिना माम समर्थये। बोले प्रभु तुम ही बता दो तुमको क्या पसंद है। बोले कि नहीं जो तुम्हारी पसंद हो हमारी पसंद है, और हम तो तरह तरह का खाने में तरह तरह का पहनने में है ना, सिंधी के घर में सिंधी ढंग का, मद्रासी के घर में मद्रासी ढंग का है, और जो हिमालय में रहते हैं उनके घर में हिमाचल के ढंग का। इच्छिते नैव विधिना तो सब प्रकार का भोजन भगवान को पसंद है, सब प्रकार की पूजा भगवान को पसंद है, सब प्रकार का पहनना भगवान को पसंद है। पहले पहले हम लोग भारतवर्ष में इधर उधर जब गए ना, और मद्रास गए तो ये ख्याल हुआ कि यहाँ के लोग भोजन किस ढंग का करते हैं जरा देखना चाहिए। तो वही तो यहाँ अच्छा ब्राह्मण है कामुक है, बोले भाई डोसा इडली बनने दो ऐसे। रामेश्वर में पहले दिन जो मैंने वहां मद्रास का भोजन किया महाराज, भोजन मुंह में और आंख में आंसू और कपड़ा प्याप है वो लाल मिर्च नहीं है। तो मारवाड़ है, महाराष्ट्र है, मद्रास है, ये जो मकारादि प्रांत है ना, ये मरीची का प्रधान है ना। यदा स्वनिगमेन उक्तम द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः यथा यजे तमाम भक्त्या श्रद्धया सन्निरोधमेत। जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि ये जो कर्मकांड है ये अनंत पार है, संक्षेप में मैं तुमसे वर्णन करूंगा और उसमें विधि विधान का ज्यादा आग्रह न करके अपने को जैसी विधि पसंद हो उस विधि से करे। तो यदा स्वनिगमे लोकम द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः, जो जिसके लिए जब द्विजत्व देता है उसके अनुसार जब गंगे सभी संस्कार प्राप्त हो करके द्विजत्व ब्राह्मण शत्रु वैश्य वो बन जाए, उसके बाद जिस रीति से श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी आराधना करे जो मैं बताता हूँ उद्धव जी तुम मुझसे संग। अर्चायाम खंड लेगा सूर्य बाप सुहृदे द्रव्येण भक्ति दुष्टोर्ति स्वगुरु माम अमायया।
भगवान कहते हैं पूजा चाहे मूर्ति में करो, चाहे देवी में करो, चाहे आग में करो, चाहे सूर्य में करो, चाहे जल में करो, चाहे अपने हृदय में करो, चाहे ब्राह्मण में करो, वस्तु के द्वारा मेरी पूजा करो। क्योंकि जब तुम्हें खाए बिना तृप्ति नहीं होती है ना, ये तुम्हारा काल है कि खाएंगे नहीं। मनुष्य की स्थिति क्या है, बोले भाई खाओ मन ही मन खा ले, तो मन ही मन खाने से अपने को तृप्ति हो जाएगी, जब मन ही मन खाने से तो तृप्ति नहीं होगी। जब तक उसके लिए तो कुछ चाहिए, ठोस माल मुंह में जाए तो तृप्ति होती है। तो जब तक ये स्थिति है कि मन ही मन खाने से अपने को तृप्ति नहीं होती, तब तक मन ही मन ठाकुर जी को खिला के भी तृप्ति नहीं होगी, उनको भी कोई ठोस माल देना पड़ेगा। हमारे उधर ये गंगा और सरयू का जो दुआदा है ना, सूरत में दुआदा बोलते हैं, दोनों ओर पानी, बीच नदी, एक ओर सरयू एक ओर गंगा, बीच में दुआदा। तो इधर दो पार को हवा बहुत तेज चलती है और अन्न पैदा बहुत होता है। ये लोग बड़े बड़े धनी भी पत्थर का मकान बना के रहते हैं, पक्का मकान नहीं होता, पत्थर का मकान। और दिन में बड़ी तेज आग चलती है, क्योंकि बरसात में बड़ी तेज बाढ़ आती है तो सब डूब जाता है और अन्न वहीं पैदा होता है, रहना पड़ता है वहाँ। और गर्मी के दिनों में बड़ी तेज हवा चलती है तो आग लग जाती है, तो रसोई नहीं बनती है दोपहर को, बोला सत्तू बना के रखते हैं वही खाते हैं, उधर सत्तू कुछ खाते हैं, इसलिए सत्तू खाए रहते हैं। तो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, बोले आओ जी झूठ मूठ का सत्तू खाए। तो एक लड़का समझदार था, उसने कहा कि जब झूठ मूठ का ही खाना है तो फिर सत्तू क्यों खाते हो, लड्डू खाओ ना। तो भाई अपने मन को बिल्कुल ठीक ठाक करके श्रद्धा हो गए, भक्ति हो गए। और हम जो भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति करते हैं वो ठोस है, केवल ख्याल ही नहीं है, केवल भावना भर नहीं है, ठोस है। तो जब कुछ वस्तु देते हैं, जब कुछ काम करते हैं, तब मन में वो भावना पूरी होती है। अपने गुरु की पूजा पहले करें, क्योंकि उसी से भगवान के बारे में जानकारी हुई है, उसी ने मंत्र बताया, उसी ने ध्यान बताया, फिर उसी पूजा करनी चाहिए। यही सांप्रदाय जो पद्धति है, संप्रदाय की पद्धति है कि जब कोई ध्यान करना हो, भजन करना हो, पूजा करना हो, तब अपने गुरु का पहले स्मरण करके प्रणाम। तो गुरु की किस रूप में पूजा करनी चाहिए, का हमारे कल्याण के लिए संत तो सृष्टि में बहुत है, संत संसार में बहुत होते हैं, संत 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 बहुत है, पर हमारे खास कल्याण के लिए जो संत आया है ना, भगवान इसी का रूप धारण करके, जिस संत का रूप धारण करके भगवान हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं, उसका नाम गुरु हुआ। तो उसकी पूजा कैसे करना, बोले अमायया, उससे कपट नहीं करना, ये उसकी पूजा है। अमायया, माया नहीं दिखाना कि हम तुम्हारा बहुत मंत्र जपते हैं, आपका बताया बहुत ध्यान करते हैं, आपकी बताई हुई बड़ी भारी भक्ति करते हैं, है ना, करते कुछ नहीं है, सामने आके रोने लगते हैं, फिर कहते हैं हमको लाभ नहीं हुआ। बोले हम तो भगवान का बहुत ध्यान करते हैं। अच्छा तुम पश्चिम मुंह से ध्यान करने बैठते हो तो उस समय भगवान का ध्यान तुम किस मुंह से करते हो, पूरब मुंह से भगवान तुम्हारे सामने रहते हैं कि पश्चिम मुंह से तुम्हारे हृदय में बैठते हैं, अरे किस मुंह से ध्यान करते हो, क्या इसका तो ख्याल नहीं है महाराज, क्या ध्यान करते हो तुम, कैसा भगवान के गले में मणि है कि नहीं, चाहे तो सही, लाल है कि सफेद है, तो महाराज इसका भी ध्यान नहीं है, है ना, तो तब क्या ध्यान करते हो। बोले अभी तो हमको लाभ नहीं होता है, बहुत ध्यान किया पर लाभ नहीं होता है, तो ठीक है अभी करते चलो। पूर्वम स्नानम प्रतुर्वीत स्नान मंत्रैर मृद ग्रहणादिना। भौत बनता पहले दांत साफ करना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए,
केले की स्नान पहले किया और दांत पीछे साफ किया, ऐसे नहीं, तो वो दांत की जो महल है ना वो फिर शरीर पर गिर पड़ेगी, शरीर अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए दातुन पहले करना और स्नान बाद में करना। और दातुन करने के लिए भी कई चीज ऐसी होती है जो हमेशा काम में नहीं लेनी चाहिए। जीभ तो रोज साफ करनी चाहिए, नहीं तो शरीर अशुद्ध ही रह जाता है। उसमें भी इमली की दातुन नहीं करनी चाहिए, बांस की दातुन नहीं करनी चाहिए, खिचड़ी है, नीम है, बेल है, ये दातुन दंत धावन में श्रेष्ठ है। सीधे कांट वाले जो है तो उनसे दातुन नहीं करनी चाहिए। ये काहे के लिए, शरीर की शुद्धि भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जो शरीर को शुद्ध नहीं रखेगा वो मन को भी शुद्ध नहीं रखेगा। जो बाहर से गंदगी अपने शरीर में लगाए रखेगा, बोले हमारे को मन की शुद्धि से ही मन की शुद्धि से ही काम चल जाए। एक बार की बात है, प्रयाग में कुंभ, एक महामंडलेश्वर का वो लगता है ना, तो शिविर क्या बोलते हैं हमको, आउनी आउनी लगी थी महाराज। ये सब पहले फौज का काम ही नागा लोग जो है ना जब करने लगे थे, नागा लोग फौज का काम कर, मुसलमानों के जमाने में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सन्यासियों में अखाड़े बना दिए गए हो, उनके पास तलवार बंदूक, तो जब फौज हो गई तो उसकी छावनी पड़ेगी, तो मार काट भी करते थे है ना, और लड़ाई झगड़ा भी करते थे। अभी राम दल और है ना, और क्या रामा दल और कोई एक दल और होता है, उसमें कभी कभी झगड़ा हो जाता है। तो छावनी पड़ी हुई थी, महामंडलेश्वर जी महाराज विराजमान, एक साधु आया तो मंडलेश्वर जी ने भोजन के समय होने पर पूछा कि महाराज स्नान करके आए हो, तो बोले हमने ज्ञान गंगा में स्नान किया है, शिवम शिवम ज्ञान गंगा में स्नान कर लिया है, मजा आ गया। धीरे से रसोइये को बुलाया, बोले महाराज का जरा ध्यान रखना, ये मिर्च जरा ज्यादा खाता है ना, और पानी देखते नहीं है भोजन के समय। अब भोजन करता गया महाराज, लाल मिर्च और पानी लगा रहा, थोड़ी देर में प्यास लगी साधु को, और बोला पानी पानी पानी। मंडलेश्वर जी बोले ज्ञान गंगा कहाँ गई आपकी, जिसमें स्नान करके आए हैं उसी में तो थोड़ा सा पी लीजिए। तो ये महाराज परमार्थ की बात को व्यवहार में लगाए करके जो साधन को भजन को स्नान को है ना, ये तो व्यावहारिक बात है ना, धर्मानुष्ठान एक व्यवहार है, उपासना एक व्यवहार है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो साधन किए जाते हैं वे एक व्यवहार है। परमार्थ का नाम ले करके व्यवहार में गड़बड़ी उत्पन्न करना ये किसी वेदांत में नहीं है, न ब्रह्म सूत्र में, न उपनिषद में, न वेद में। व्यवहार में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शरीर की शुद्धि ठीक ठीक करनी चाहिए। नहीं मैला रहने की आदत डाल लोगे तो जिंदगी खराब। उभय स्नानम मंत्रैर मृद ग्रहणादिना, वेद मंत्र से भी स्नान करना, पंच तांत्रिक मंत्र से भी स्नान करना, सूर्य मंडल से तीर्थ की आवश्यकता आह्वान करके, और गंगे से जमुने से वो पवित्र तीर्थ का स्मरण करके जो नल के पानी में नहाओ, लेकिन उसमें पवित्र तीर्थ का जल उसकी भावना कर लो, सूर्य मंडल से तीर्थ आ गया इसकी भावना कर लो, मन ही मन जाकर हरिद्वार में एक डुबकी लगाई, गंगोत्री में एक डुबकी लगाई, पुष्कर में एक डुबकी लगाई, मन ही मन स्नान करके और उस जल में भी तीर्थ की भावना करके मृद ग्रहण आदिना। और जिस ढंग से मृतिका आदि का प्रयोग करना चाहिए उसका करना, असल में जो मन की शुद्धि चाहते हैं उनके लिए भाव प्रधान क्रिया होनी चाहिए और भाव प्रधान वस्तु होनी चाहिए, नहीं तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है। मन में से राग मिटाने के लिए, द्वेष मिटाने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मिटाने के लिए तो उसी ढंग से काम करना पड़ता है। संधि कर्माणि वेदे नाचोदितानि में
पूजाम कई कल्प सम्यक संकल्प कर्म पावनी। वेद में जिसके लिए संध्या वंदन का विधान है उसको संध्या वंदन आदि कर्म करने चाहिए। उसमें ये आग्रह नहीं करना चाहिए कि यही कर्म करते बढ़िया है, जिसके लिए जिस कर्म का विधान है उसके लिए वही कर्म बढ़िया होता है, क्योंकि कर्म वस्तु के रूप से बढ़िया नहीं है, वस्तु वस्तु रूप से बढ़िया नहीं है, वो तो विधान से उसमें गुण आता है और निषेध से उसमें दोष आता है। इसलिए जिसके लिए जो निषिद्ध है उसका प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए और जिसके लिए जिसका विधान है उससे उसका प्रयोग करना चाहिए। सम्यक संकल्प है, अपने मन में भला संकल्प करके, माने परमेश्वर विशेष संकल्प करके कि जब मेरा हृदय शुद्ध होगा तब भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। कर्म पावनी पूजा, अपने कर्म को पवित्र करने वाली, कर्म बंध को मिटाने वाली जो भगवत पूजा है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। शैली दार मई लोही लेखिया लेख्या संकति मनोमयी मनमयी प्रतिमा चरुभा स्मृता। भगवान की मूर्ति कैसे रखना, शैली पत्थर की है, बोले पत्थर भला भगवान कैसे। तो महात्मा लोग जानते हैं कि भगवान के सिवा दूसरा कोई है नहीं। ये तो जो लोग नहीं जानते हैं ना, यह नहीं कोई भगवान है, यह नहीं यह भगवान नहीं है, माने आधा भगवान है आधा भगवान नहीं है। महात्मा लोग जानते हैं कि समझने के लिए नेति नेति का प्रयोग किया जाता है कि जिससे अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझने समझ लेने के बाद सब परमात्मा अपने स्वरूप हो जाता है। इसलिए जहाँ जिसकी चित्त वृत्ति जैसी निर्मल हो उसको वैसे निर्मल बनाने की विधि बतानी चाहिए। पत्थर की बनी मूर्ति हो, लकड़ी की बनी मूर्ति हो, दारुमयी लोही सोना चांदी की बनी मूर्ति हो, लेखिया मिट्टी से चंदन से लकीर खींच के बना दी गई हो, लेखिया तस्वीर बनाई हुई हो, चित्रकार ने बनाई हो, बालू की बनी हो, मन की मूर्ति बनी हो, मणि की बनी हो। हम लोग गंगा किनारे बैठते महाराज बालू उठा उठा के बोले बना लिया, ये शंकर जी की मूर्ति बन गई। अब उस पर बालू उठा के चढ़ा रहे हैं, ओ नमस्ते वाय, ओ नमस्ते वाय, ओ नमस्ते वाय, बालू की मूर्ति और हाथ से उठाया बालू और बालू पर बालू डाल रहे और मन में क्या हो रहा, शंकर जी की पूजा हो रही है ना। हिमालय में से गंगा जी निकलती है, जल बहा जा रहा है, गंगा जी की मिट्टी निकाली और उसका और उसका ही बनाया पार्थिव और उसी पर गंगा जल डाल रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान से भगवान की पूजा हो रही है। तुम्हारा क्या बिगड़ा, तो बिगड़ा नहीं, तुम्हारा मन पवित्र हो गया कि मैं संसार का भोग नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ। और आपको कभी मैं बताता हूँ, कभी आप अनुभव कर लेना, एक दिन सिनेमा देख के आना, सब देखना कि तुम्हारे मन की हालत क्या है, गौर से जरा देखना है ना, कैसी स्त्री, कैसा फर्नीचर, कैसा मकान, तुम्हारे मन की क्या हालत हो रही है, उसमें क्या क्या भर गया है ना, कैसे प्रेम और कैसे प्राणनाथ आ गए हैं उसमें, वो देख लेना है ना। और एक बार स्नान करके एक लोटा गंगा जल शुद्ध लेकर के और शंकर जी की मूर्ति पर हर हर महादेव करके डाल देना और उसके बाद देखना कि तुम्हारा मन कैसा है। अगर आप अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं तो स्वयं अनुभव करके देखो, इसमें आंख खराब होने वाली नहीं है, पैसा खर्च होने वाला नहीं है, 3 घंटा समय लगने वाला नहीं है, और एक ओर से मन में वासना आती है और एक ओर से मन में पवित्रता आती है। कर्म का प्रतिमा विधा स्मृता, यह 8 प्रकार की प्रतिमा होती है। चला चले दुविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वा का वाहने नाम उद्धवार चले। भगवान बताते हैं कि प्रतिमा जो होती है भगवान की वो 2 तरह की होती है। एक तो उठा के चाहे जहां कहीं ले जाओ ऐसी चला, और एक अचला, एक जगह स्थापित कर दिया और वो ज्योति तो वहीं पड़ी रहे। ये बोले जीव मंदिरम,
यही ईश्वर का मंदिर है। ये प्रतिमा जो है ये ईश्वर का मंदिर है, अथवा जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाती है विधि पूर्वक, वो मूर्ति ही भगवान का स्वरूप होकर के विराजमान होती है, भगवान ही उसमें प्रकट होते हैं। उद्वासा वाहन नाम उद्धवार्चने उद्धव, यदि मूर्ति स्थिर है माने हमेशा के लिए स्थापित कर दी गई हो तो उद्वासा वाहन नष्ट, उसमें आवाहन विसर्जन करने की जरूरत नहीं, माने हे महाराज आओ पधारो कहने की जरूरत नहीं, का महाराज पूजा हो गई आप जाओ कहिए कहने की जरूरत नहीं, तो इसमें तो भगवान हमेशा ही रहते हैं। ये आवाहन विसर्जन ऐसे होता है कि मूर्ति के सामने बैठ गए, उसे आगे बताएंगे, पहले आंख बंद करके ध्यान करो कि हमारे हृदय में स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान परमात्मा विराजमान है, वो कृपा करके हमारे हृदय में प्रकट हुआ और वहां से आंख में आया और आंख में निकल के आंखों से मूर्ति में गया, अब मूर्ति के हृदय में परमात्मा विराजमान है ना, ये आवाहन हुआ, पूजा करो खिलाओ पिलाओ प्रेम करो, और उसके बाद फिर मूर्ति में से मूर्ति के हृदय में से आंख में भगवान आए और हमारी आंख में आए और हमारी आंख से आकर हमारे हृदय में बैठ गए, तो उनका नित्य धाम तो हमारा हृदय है और हमारी पूजा ग्रहण करने के लिए मूर्ति में आया करते हैं, इसका नाम आवाहन विसर्जन होता है ना। लेकिन यदि मूर्ति हमेशा ही रहती हो तो आवाहन विसर्जन करने की जरूरत नहीं मौजूद है। अस्थिरायाम विकल्प अंधे तो भवे द्वयम, यदि मूर्ति चल हो आके ले जाना ले आना हो तो उसमें विकल्प है, मारे कोई ऐसी मूर्ति होती है जिसमें हमेशा के लिए प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाती है तो आवाहन विसर्जन करने की जरूरत नहीं होती है, और कोई मूर्ति ऐसी होती है तो जिसमें जब कंडिया में बंद करना हुआ तो विसर्जन कर लिया और जब पूजा करनी हुई तो आवाहन कर लिया, दोनों चलता है, और देवी पर पूजा करना हो तो आवाहन विसर्जन रोज करना चाहिए। अब स्नान की बात आई, बोले स्नान महाराज मिट्टी से या चंदन से या चित्र से, चित्र के रूप में जो मूर्ति है उसमें स्नान नहीं कराना, अभिलेख प्रायाम, जहाँ कुछ छूट जाने बिगड़ जाने है ना, जैसे कोई रंग लगाया हुआ है, मुंह में रंग है, आंख के ऊपर भौहों में रंग है, सिर में रंग है, भगवान को रंग तो है ना, तो बोले स्नान रोज कराओगे तो वो छूट जाएगा, तो जहाँ विलेप नहीं हो वहाँ स्नान कराना, और जहाँ कोई लेप लगाया हुआ हो लेप किया हुआ हो वहाँ परिमार्जनम केवल पोछ देना है ना, केवल पाँव पाँव है भीगे कपड़े से पोछ सकते हैं, उसको चिकना कर सकते हैं, उसकी जैसी विधि है। द्रव्य ही प्रसिद्ध मग जाग प्रतिमा विश्वमायिन भक्त यथा लग्भ हृदय भावे न कही वही। अब बताते हैं कि प्रतिमा के सामने बैठ करके और जो प्रसिद्ध वस्तु है, फूल है, फल है, भोजन है, उसके द्वारा भगवान का याद करो, तो उसमें क्या बात है, मिट्टी का सार तो क्या है आप जानते हैं, गंध, तो पृथ्वी का सार है गंध, तो भगवान की पूजा में सुगंध का प्रयोग जरूर करना है, और जल का क्या सार क्या है, रस, तो स्वादिष्ट वस्तु भगवान को देना, और अग्नि का सार क्या है, सौंदर्य, समझे, तो फूल है, दीपक है, ये भगवान को देना, और वायु का सार क्या है, स्पर्श, तो पंखा झलना है भगवान को, और आकाश का सार क्या है, तो घंटी बजाना, स्तुति करना, ये पंचभूतों का जो सार है तो सब भगवान की पूजा में लगाना, इससे क्या हुआ कि ये पंचभूतात्मक जो सृष्टि है ये भगवान की पूजा में लग गई, और अपने मन में प्यार आता है तो प्यार भगवान के साथ जोड़ना है, और अपनी बुद्धि में विचार आता है तो विचार भगवान के साथ जोड़ना, तो देखो कितने कृपालु हैं, सब बने हुए हैं, मेरे सामने मूर्ति बन करके आ गए, कितना अनुग्रह इनका,
ये अनुग्रह विग्रह मेरे लिए नन्हे सी मूर्ति बनने में भी ईश्वर को कोई संकोच नहीं हुआ। तो इस तरह से प्रसिद्ध वस्तुओं के द्वारा भगवान की आराधना करना एक बात है, अमायना दंड नहीं करना, कपट नहीं करना, बनावट ये जो दो कपट फल तीव्र न भावा, भगवान को कपट फल नहीं भाता है। बोले इतनी सामग्री अपने पास न हो तो वास्तव में तो इसमें सामग्री क्या है, अपने कोई महाराज सुंदर बना के भगवान के सामने बैठा दो तो देख लो प्रभु हमको देख के कैसे जा चले, यही सही है ना। जो तुम खाते हो उसी का भोग लगा लो, जो पानी पीते हो उसी में तुलसी डाल करके भगवान के सामने कर लो। कहो भगत पथ कवन प्रयास, बताओ तो सही भक्ति के मार्ग में परिश्रम क्या है। जोग न जप तप मत उपवासा, इसमें जोग जप तप मत उपवास की कोई जरूरत नहीं है। सरल सुभाव मन कुटिलाई, जथालाभ संतोष सदाई, जथा लग गई जो तुम्हारे पास हो उसी से भगवान की पूजा कर लो। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, गद्दा है तो उसको गद्दे पर सुलाते हो, और गद्दा नहीं है चटाई है तो चटाई देते हो तुम्हें। जो तुम्हारे घर में है महाराज उसी से भगवान की पूजा करो। बोले चटाई भी नहीं है, कहो भी भाव है न सही वही, तुम्हारे हृदय में भाव तो है ना, अपने हृदय में भावना के द्वारा भगवान की आराधना करो। स्नानालंकरणम प्रेष्टम अर्चायामेव पूज्य, खंड में सत्य विन्यासो गहना वाज्यप्लुतम हरि। तुम्हारे पास मूर्ति यदि हो तो उसको स्वच्छ चमका करके रखो, मैली कुटेली नहीं। कहिए न मालूम हो कि जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा किसी के घर में है ना, अब उसके नाक से बलगम गिर रहा है और बाल उसके बिखरे हुए हैं और कपड़े गंदे हैं, तो मालूम होता है कि इसके घर में बच्चे की संभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही अपने घर में ठाकुर जी को रखो और उनको उनके कपड़े गंदे हो, शरीर पर मैल हो, तो समझना कि भाई प्यार से सेवा करने वाला नहीं है। तो उनकी स्वच्छता भी रखना, अलंकार भी धारण कराना, प्रिय से प्रिय वस्तु उनके सामने निवेदन करना, और देवी में पूजा करना हो तो तत्व का न्यास करना, अग्नि में पूजा करना हो तो घी से कराकर माल देना। सूर्य का व्यहणम प्रेष्ठ प्रेष्ठम सर्वे परिवारी, सूर्य में अर्घ देना भगवान को, और जल में पूजा करना हो तो चंदन आदि से मिश्रित करके, दूध आदि से मिश्रित करके जल चढ़ाना भगवान को। भगवान कहते हैं बाबा असल में हम ये चाहते हैं कि श्रद्धा ठीक बन जाए, तुम्हारा हृदय जो है वो श्रद्धा सारा कारित हो जाए, चीज के साथ हो गए तो चीज के, बिना चीज के हो गए तो बिना चीज के, लेकिन हृदय में बार बार कोई काम किया जाता है ना तो उसमें श्रद्धा बढ़ती है। तुम्हारे हृदय में शंका बढ़ रही है कि श्रद्धा बढ़ रही है, कौन लेना है अपने दिल को संशय आत्मा विनस्पति, यदि संशय की उत्पत्ति हो रही है तो तुम विनाश के मार्ग में जा रहे हो, और तुम्हारे हृदय में श्रद्धा की उत्पत्ति हो रही है तो तुम परमार्थ के मार्ग में जा रहे हो। तो भगवान ने कहा श्रद्धोपारितम प्रेष्ठम भक्ते न मम बाल्यति, मेरा भक्त यदि श्रद्धा से एक किल्लू पानी भी हमको देता है तो वो हमको बड़ा प्यारा है। पानी चाहिए तुलसी बल मात्रेण, भगवान ने अपनी कीमत बना दी है, तुलसी बल मात्रेण जलस्य सुबिके लगा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्ते भियो भक्त वत्सल। भक्त वत्सल भगवान ने भक्तों से कहा कि तुम हमें ले लो, भक्तों ने कहा कि महाराज आपको हम कैसे ले, हमारे पास कीमत आपकी कीमत चुकाने के लिए तो कोई नहीं, अपने को दे दे तो भी कहा आप और कहा हम आपकी कीमत बराबरी नहीं कर सकते। तो बोले अच्छा लो हम कीमत बता देते हैं, एक तुलसी का दल हमको दे दो, हम उसी में बिक गए। तुलसी दलम प्रेरणा जलक के कुलू के लगाएक किलू पानी हमको दे दो प्रेम से, तो हम बिक गए बिक गए दुख प्रेमी तो समात्मान भक्ति योग भक्त वत्सल।
भक्त रक्षण भगवान अपने भक्तों के हाथ तुलसी दे लेकर के दिखते हैं, एक तुल्लु पानी लेकर के दिखते हैं। भगवान को चीजों की कमी नहीं है, वो तो तुम्हारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करके जो तुम्हें दिन भर पाप सताते रहते हैं, पाप सताते रहते हैं, दुख सताते रहते हैं, जो तुम दुख से मरते रहते हैं ना, इस तुम्हारे दुख से छुड़ाने के लिए भगवान ने ये दृष्टि रखी है कि तुम किसी बहाने श्रद्धा तो करो। नमे तोषाय कल्पते, और अभक्त अपना संपूर्ण राज्य ही अर्पित कर दे भगवान को, क्या इससे भगवान को संतोष नहीं होगा। अगर प्रेम से प्रेम भगवान को गंध धूप फूल दीप भोग आरोग भगवान को एक प्रतिधि किया है तो फिर बोले, एक बार दूध पड़ी हुई है तो फिर बोली दिया चलाई हुई है तो फिर उसको कह रहे हैं, तो फिर एक बार दीपक जलाने के लिए गए, एक बार खून लेने के लिए गए, बार बार इतना न करे। सारी सामग्री पूजा की इकट्ठी कर लेना चाहिए, सामग्री भी पवित्र हो और सामग्री वाला भी पवित्र होगा। और त्याग बढ़ गई कल्पित आसन कुछ का आसन दिखा ले, सबसे बढ़िया महाराज ये गरीब के गरीब गरीब के गरीब के घर में भी हो सकता है, लेकिन उसका जो अग्रभाग है वो पूर्व की ओर होगा तो अच्छा है। जो कुछ का आसन है वो उसका अग्रभाग पूर्व की ओर होगा, पूरा मुंह से बैठ करके पूजा करे, खड़ा होकर पूजा नहीं करे, लेट के पूजा नहीं करे, सत्कार करने के लिए बैठना चाहिए। पूर्व मुंह से या उत्तर मुंह से बैठ करके भगवान की पूजा करें, और यदि मूर्ति की पूजा करनी है तो पूर्व और उत्तर का नियम नहीं रखते, मूर्ति अपने सामने जैसे पड़ती हो ऐसे बैठ करके पूजा करें, जैसे मूर्ति उत्तर मुंह हो और पूजा करने वाले को दक्षिण मुंह से भी खड़ा होकर के पूजा करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। भगवान जिधर सामने पड़ते हैं वही सर्वोत्तम दिशा है, इसमें पूरा उत्तर दक्षिण का नियम नहीं है, जिधर से अपनी आंखों के सामने भगवान पड़ते हैं वो सबसे बढ़िया दिशा है। कृतन्या सकृतन्या काम मगर काम कालिना मृग कलशम प्रेक्षण अपने शरीर में न्यास कर ले, न्यास के बहुत सारे विधान हैं, मंत्र का न्यास होता है, देवता का न्यास होता है, सृष्टि न्यास स्थिति न्यास प्रलय न्यास मातृका न्यास के तीन भेद होते हैं, मूर्ति कंजर न्यास व्यापक न्यास उनके करने की विधि भी होती है शास्त्र में, करण न्यास करण न्यास हृदय आदि न्यास अंग न्यास बोलते हैं, अंग न्यास करण न्यास हृदय नम सुरक्षत नेत्रताय ओम ये अस्त्राय ये सब न्यास के अंग न्यास होते हैं। करण न्यास होता है अंगुष्ठाभ्याम नम सर्गणीभ्याम स्वाहा मध्यमाभ्याम दशक अनामिकाभ्याम बैठक, तो ये सब जो है अंगन्यास करन्यास मंत्रन्यास मूर्ति न्यास केशवादि न्यास ये सब विधान होते हैं। अपने शरीर में न्यास करके मूर्ति के शरीर में भी न्यास करना, देखो ना ऐसा मन लग जाएगा कैसा समय बीत गया है, कैसा समय बीत गया पता नहीं चलेगा भाई। ये एक रामायण में प्रसंग है ना कि चित्रकूट में जब भगवान रामचंद्र गए तो यहाँ के जो वीर लोग थे उन्होंने कहा कि यह हमारी अति बड़ी सेवकाई है, लेहि न दासन वचन कराई तो हे प्रभु हम आपकी ये सेवा यहाँ करेंगे, बड़ी सेवा हमारी यही समझना है कि हम आपके कपड़े न चुरा ले और आपके कमंडल न चुरा ले, ये हमारी बड़ी भारी सेवा बस यही समझना, देने लेने की बात तो अलग है। तो बोले भगवान की पूजा में सबसे बड़ी बात क्या है,
देश का जिससे देश दुश्मन का चिंतन नहीं होगा, जिससे मोह उसका चिंतन नहीं होगा, धन का चिंतन नहीं होगा, कहीं मकान का चिंतन नहीं होगा, बाजार का चिंतन नहीं होगा, अपना मन जो उधर से हट करके उधर लग गया ना, अब ये करो अब ये करो, अब इसका नंबर है अब इसका नंबर है, ये जो मन उधर से हट गया ना, तो ये हमारी अति बड़ी सोचाई संजय की पूजा से बड़ा भारी लाभ ये हुआ कि मन संसार की ओर से हट करके गंदी अपवित्र वस्तुओं की ओर से हट करके भगवान की ओर से चलाना। और भगवान तो महाराज स्वयं प्रसन्न होते हैं, तो स्वयं न्यास करके मूर्ति में न्यास करके उसके बाद पाणी नाम मृगे मूर्ति पर अपना हाथ फिरावे, चारों ओर मूर्ति पर अपना हाथ फिरावे छुए, और उसके मन में भाव आवे कितना सुकुमार है, कितना कोमल है, कितना कृपालु है, कितना मृदुल है, गुरु का स्मरण करे। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के जीवन में वर्णन आए, श्री रंग भगवान की सेवा करते थे तो उनकी मूर्ति पर बड़ी मूर्ति है ना, सिर से पांव तक और पांव से सिर तक अपना हाथ फिरा देते। एक दिन देखा उन्होंने कि पीठ में तोड़ा है रंग भगवान को, अब रोने लगे, अरे भगवान ये क्या, भगवान की मूर्ति में तोड़ा कहां से। जब बहुत रहे तब रंग भगवान बोले कि रामानुज ये तुमने चोट की है उससे हमारे तोड़ा हुआ, तुमने मारा है इसलिए ये तोड़ा हुआ है पीठ में। तो कैसे मारा है महाराज, तो तुम जिनका खंडन करते हो वो सब हमारे शरीर में ही तो रहते हैं ना, पीठ में ही तो रहते हैं, जिनको तुम भला बुरा कहते रहते हो है ना, ये मूर्ख है ये बालिश है ये पापी है ऐसे जो बोलते रहते हो, ये तुम्हारा बाघ बाढ़ आकर के हमारे शरीर में लगता है, इसके बड़े दुखी है। बोले महाराज क्या गया कि बस अब से किसी का खंडन मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी का खंडन मत करो, सब मेरे शरीर में रहते हैं। तो भगवान के शरीर को देखो, भगवान के पृष्ठ भाग में अधर्म का विलास है, अधराज से बताते हैं आगे, कलशम प्रोक्षणीयम च यथावधि प्रसादयेह, एक कलश में पवित्र जल भर करके अलग पात्र रख लो और उसके बाद किस काम में कौन सा जल लेना है उसके लिए अलग अलग पात्र में जल रखना पड़ता है। तो एक कलश से पूरा जल है और प्रोक्षणीयम च किस किस चीज पर जल छिड़क करके उसको पवित्र करना है, फूल पर भी जल छिड़क लेना है, जैसे उसमें कीड़े रहते हैं मकोड़े रहते हैं सब देखना, जो वस्तु है सबको पवित्र करना। सदग दुर्गुर गगनम द्रव्याण आत्मान द्रव्य साधय, जितना ईश्वर की पूजा के लिए जितनी सामग्री है पदार्थ है अपना शरीर है सबको इस जल से पवित्र करना और मन में ये भाव करना कि पवित्रता आ रही है। अब ये मन में जो पवित्रता का चिंतन है ना इसी से अंतःकरण पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है। प्रोक्षता प्राणी प्रियम, तीन पात्र जल के स्वच्छ करके वहां रखे और उसमें जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो उसमें रख ले, या कपाद्य की सामग्री अलग, अर्घ की सामग्री अलग और आचमनीय की सामग्री अलग, इनके लिए अलग अलग बच्चे होते हैं। काव्य श्यामा के दुर्गाव्य विष्णु क्रांतादि रूप्यते, काव्य के लिए जो जल होता है उसमें श्यामा को होता है, दुर्गा होती है, कमल होता है, विष्णु क्रांता होती है, गंध पुष्पाक्षत जय विषाग्र पुलित होता है, गंध पुष्पाक्षत जय कुल सरसत दुर्गा, ये सब अर्घ के आठ द्रव्य है। इसी तरह से जाति लगंग कंको लतमाचमनीयतम, आचमनीय के जो जल होते हैं उसमें जाति लगंग कंकोल आदि पदार्थ होते हैं, इन तीनों पात्रों में रख करके उनमें अलग अलग जल है, अर्घ वाला बर्तन अलग हो गए, काव्य वाला बर्तन अलग हो गए, आचमनीय वाला बर्तन अलग हो गए। अर्घमा काव्य माने पाँव धोने का जल कर, अब उसी से चिल्ला भी उसी से कराओगे जिसे पाँव देगा तो नहीं उसका जल अलग चाहिए, अर्घ माने हाथ धुलाने का जल और आचमनीय माने मुख धुलाने का जल। तो मेरा आजकल तो पूजा ही बड़ी विचित्र विचित्र होती है, पाँव में पाँव पाँव में धो लिया, पाँव धो लिया, फिर
उसी हाथ को चंदन लगा दिया सिर में, पांव में चंदन लगाया है ना, वही चंदन वही हाथ और फिर सिर में लगा दिया है ना, पहले पांव में फूल चढ़ा दिया फिर उसको उठा के फिर सजा लिया। तो महाराज ये सब सीखना पड़ता है असल में। आजकल तो बिना सीखे सब गुरु बन जाते हैं, तो क्या किया श्रीणी पाठ्य वही सीखा प्रदा कीर्तना से सीखा गायत्री आचारी मंत्र और फिर उनको जो हृदय से मंत्र हृदयाय नमः कीर्तना सुरसे सिखायल बचत और गायत्री इनके द्वारा इन शास्त्र में स्थित व्यक्तियों को और जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। ये पूजा की विधि बताते हैं। इंदु गाय अग्नि संशुद्धि जब शरीर के भीतर जो पाप पुरुष रहता है, सबके शरीर के भीतर ये ख्याल करना कि एक पाप की मूर्ति रहती है बड़ी भयंकर बड़ी माता है पाप है, जब वो हवा से सूख गई आग में जल गई उसकी रात हो करके उड़ गई, उसके बाद महाराज वो अमृत को उसको सीख दिया और उसकी बड़ी सुंदर अमृतमयी मूर्ति बनी, उसका ध्यान किया जाता है। अब ये सब प्रसंग आपको फिर पूजा का प्रसंग तो थोड़ा ही है, उसके बाद तो परमार्थ निरूपण जो है ग्यारहवें स्कंध का एक विशेष प्रसंग बताते हैं, पर स्वभाव परमाणु में प्रसंग प्रारंभ होता है जो आएगा, तो वो आपको फिर संकल्प।